सड़क हादसों से जुड़े ज्यादातर मामलों में मौत की वजह सही समय पर इलाज नहीं मिलना होता है। यदि गोल्डन आर यानी हादसे के एक घंटे के भीतर घायल व्यक्ति को इलाज मिलना शुरू हो जाए तो उसकी जान बच सकती है। साथ ही सड़क दुर्घटना के बाद कुछ बातों का ख्याल रखा जाए या अपने साथ कुछ चीजें रखें तो दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद अहमद बताते हैं कि दुर्घटना के बाद कई छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। कोई भी सड़क दुर्घटना होती है उसमें अपने पास फर्स्ट एड का कम से कम बेसिक ज्ञान होना चाहिए और फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, जिससे कि वो समय रहते अपना स्वतः उपचार कर सके। अगर स्थिति गंभीर है तो फिर सबसे पहले ब्लीडिंग बंद करने का कोशिश करना चाहिए। इसमें रक्तस्राव है, कोलैप्स करने से बचेगा, और ये वाइटल साइंस सब देखना है। उसके बाद नज़दीकी किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी तरह का स्वास्थ्य केंद्र है उससे उसका सहायता लेना कोशिश करनी चाहिए। हादसे के बाद मौत की वजह ज़रूरत से ज़्यादा खून बहना भी होता है। ऐसे में विशेषज्ञ बताते हैं कि हादसे के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या करना चाहिए, इस बारे में भी डॉक्टर जावेद अहमद ने कुछ अहम टिप्स शेयर किए हैं। वैसे ही सबसे पहले है कि आपको किसी प्राइवेट क्लिनिक में या किसी भी तरह से आपको ब्लीडिंग चेक करना है, बैंडेज करना है, प्रेशराइज बैंडेज करना है ताकि ब्लीड नहीं हो। उसके बाद उसको नज़दीकी किसी स्वास्थ्य केंद्र में हेल्प, अगर स्थिति बहुत गंभीर है तो बड़े उच्चतर संस्थानों में भेजना है। हम लोग रोड पे जा रहे हैं, अगर मान लिया किसी तरह से कोई मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर से अगर एक्सीडेंट होती है तो सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे क्या कंडीशन है पेशेंट का। अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है कि अनकंसस है, मतलब होश में है कि नहीं है। अगर मान लिया ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उस पेशेंट को तो सबसे पहले लोगों को चाहिए कि हम नियरेस्ट अगर हॉस्पिटल, अगर सरकारी हॉस्पिटल दूरी में है तो हम लोग पहले नज़दीक में कहीं अगर नर्सिंग होम है तो उस वहाँ जाकर पहले सबसे पहले तो हम लोग उसको फ्लूड देना चाहिए, फ्लूड हम लोग उसको लगा देना चाहिए कि हाँ कि सरकारी हॉस्पिटल में आराम से पहुँच जाए। उसके बाद फिर ब्लीडिंग रोकने के लिए हम लोग इंजेक्शन आता है ट्रेनेक्सा, तो ट्रेनेक्सा लगा देंगे ब्लीडिंग उसको कम होगा। तो देखें कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है, अगर सर से हो रहा है, हाथ से हो रहा है, कहीं होगा। अगर फ्रैक्चर हो जाता है कोई पेशेंट का, चाहे बोन टूट गया हो चाहे कि हो, तो उसको हम लोग चाहें कि कोई साधन के द्वारा जितना दूरी है वहाँ पर ले जा सकते हैं हम लोग उसको, पेशेंट को ले जाकर फिर वहाँ पर हम लोग को बताना है कि हाँ ऐसे हुआ, वैसे इसको टूट लगा, ये हुआ। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, उस पेशेंट को छोड़कर हम लोग भागना नहीं चाहिए। जो भी चाहे हमसे हो चाहे किसी से भी हो, पहले चाहिए कि उसको प्राथमिक स्वास्थ्य पहले स्वास्थ्य केंद्र में उसको लेकर जाएँ, और अगर दूरी अगर होती तो वहाँ पर भी हम लोग जाएँ। इसी तरह से आदमी को बचाने के लिए हम लोग जितना हो सके भरकस प्रयास करना चाहिए। साथ ही गाड़ी में हर वक्त फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। ऐसा करने से सड़क दुर्घटना के बाद आपको त्वरित उपचार के लिए यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा और वक्त पर मिले इलाज से किसी की भी जिंदगी बचाई जा सकती है।